हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है क्वेश्चन सेवन फ्रॉम एक्सरसाइज 13.5। क्वेश्चन इज अ गोडाउन मेजर्स 60 मीटर बाय 25 मीटर बाय 10 मीटर। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स ईच मेजरिंग 1.5 मीटर बाय 1.25 मीटर बाय 0.5 मीटर दैट कैन बी स्टोर्ड इन द गोडाउन। स्टूडेंट्स, यहाँ डायग्राम में देखिए, मैंने थोड़ा बना के रखा है। ये आपका गोडाउन है जिसकी मेजरमेंट है लेंथ, ब्रेथ और हाइट। इसको हमने कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया है, कैपिटल एल, कैपिटल बी और कैपिटल एस। इनकी वैल्यूज यहाँ दी गई है 60 मीटर, 25 मीटर और 10 मीटर रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर एक वुडन क्रेट्स है, इसकी जो मेजरमेंट है स्मॉल एल, स्मॉल बी और स्मॉल एच हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। उनकी मेजरमेंट हमने यहाँ दे रखी है, आप देख सकते हैं 1.5 मीटर, बी है 1.25 मीटर और हाइट है 0.5 मीटर। स्टूडेंट्स, आपको बताना है इस गोडाउन में कितने वुडन क्रेट्स रखे जा सकते हैं, कितने स्टोर किए जा सकते हैं। इट मीन्स क्या समझ में आया? समझ में आया कि अगर इसके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ क्रेट्स आ जाएंगे, वही हमने किया है। नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गोडाउन अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्रेट्स, क्रेट्स मीन्स वन क्रेट। अच्छा, तो इसका फार्मूला इसके हिसाब से कैपिटल एल इंटू कैपिटल बी इंटू कैपिटल एच अपॉन स्मॉल एल इंटू स्मॉल बी इंटू स्मॉल एच। सारी वैल्यूज़ को मैंने पुट कर दिया। देखिए यहाँ पर 60 इंटू 25 इंटू 10 अपॉन 15, 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने क्या किया, डेसिमल को रिमूव कर दिया और देखिए एक डिजिट ये था, दो ये थ्री हुई और इसको चार फोर डिजिट हुए। तो फोर डिजिट हमने डेसिमल को के बाद थे जो उनको हमने रिमूव किया, तो यहाँ पर 10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब इसको हम कैंसिल करते हैं अगले स्टेप में लिख करके। देखिए यहाँ पर 60 इंटू 25 इंटू 10 अपॉन 15 इंटू 1.25 इंटू 5 इंटू 10,000। अब यहाँ देखिए कैसे हमने कैंसिल कर दिया, 5 टू जा 10 कैंसिल हो गया, 25 वन जा 25, 25 फाइव जा 125 ये कैंसिल हो गया, 5 से डिवाइड किया, 5 3 जा 15 और 5 12 जा 60 और फिर 3 से काट दिया तो यहाँ पर आ जाएगा 4। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू क्या क्या बचा, 4 बचा इंटू इधर क्या है 2 है, इंटू 1 से कोई मतलब नहीं है, 2000 है। और इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए यहाँ पे सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 16,000 क्रेट्स, वुडन क्रेट्स आएंगे। इस तरीके से ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो कुल मिलाकर के आप आराम से समझ सकते हैं, ये बीच में अगर आपको हो सकता है वीडियो में ना दिखा हो, लेकिन यहाँ तक आपकी समझ में आ गया है तो इसको तो आप कैंसिल कर ही लेंगे और फाइनली रिजल्ट 16,000 वुडन क्रेट्स आएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।